ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं प्रदेश की ओर। हमीरपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने एक ही दिन में हमीरपुर व मंडी जिले का दौरा करने के बाद बिलासपुर के भी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के बाद जन समस्याएं भी सुनी। हमीरपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर ने एक ही दिन में हमीरपुर व मंडी जिला के दौरा करने के बाद देर शाम बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके उनकी समस्याएं भी सुनी। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की पछाद व धर्मशाला सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत का दावा किया, तो साथ ही हरियाणा व महाराष्ट्र में हुए पंचायती राज व नगर परिषद सहित उपचुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा के चुनावों में भी पार्टी की शानदार परफॉर्मेंस होने का दम भरा। अनुराग ठाकुर ने भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन को लेकर पहले चरण में जमीन अधिग्रहण पर 20 किलोमीटर का काम शुरू होने और दूसरे चरण में अगले 20 किलोमीटर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, दोनों चुनाव हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करने वाली है। हमारी वहाँ की राज्यों की सरकारों ने बहुत शानदार उम्दा काम किया है। वहाँ पर जब पंचायती राज के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, तब भी शानदार प्रदर्शन रहा। उपचुनाव हुए तब भी अच्छा किया और अब के विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भाजपा का रहे। मुझे लगता है जो 70 वर्षों में नहीं हुआ हमने वो करके दिखाया। भानुपुली से लेकर बिलासपुर की रेलवे लाइन के पहले 20 किलोमीटर का हमने काम शुरू करा दिया। जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया, निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब अगले 20 किलोमीटर का जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ।